वो रात में देख रहे हैं, सुबह उठ करके आदमी देख रहा है कि उसका डेड बॉडी है, तो पैसा कोई हो सकता है कि वो पैसा विषय में बोलता होगा तो पैसे लूटने आया होगा। अब क्या हुआ, मतलब आदमी को बोलने में मिस्टेक हुआ है तो उसका जान चला गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आज तो हम लोग दोपहर 2 बजे के आसपास यहाँ पे आ गए थे भूटान, लेकिन अभी क्या है कि बॉर्डर के बाहर हम खड़े हैं। ये देखिए, ये रहा भूटान का बॉर्डर, इधर इंडिया है और इधर भूटान है। और कारण क्या है कि हम नहीं जा पाए, यहाँ पे आधार कार्ड नहीं लेते एंट्री के लिए, यहाँ चाहिए वोटर आईडी कार्ड, और वोटर आईडी कार्ड मेरे पास फिजिकल है नहीं। और हम फ़ोन में मंगाए तो उसके बाद ये लोग मान ही नहीं रहे, बोले कि नहीं हमको कार्ड पूरा चाहिए, इधर ही चाहिए। तो उसी को लेके अभी हम थोड़ा बाहर ही है, पापा अंदर चले गए गाड़ी लेके। अब देखिए कितना देर में खाली होगा, ऐसे तो बोल रहे 3-4 घंटा लग जाता है। तो अभी हम इधर ही बाहर घूम रहे हैं भूटान के बॉर्डर के बाहर। अभी देखने में तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, उधर पहाड़ है लेकिन अंदर जा नहीं सकते, ऐसे भी माल अंदर जाता ही नहीं ज़्यादा, यहाँ पे पार्किंग में ही खाली होगा गाड़ी। और इधर दोस्तों पूरा चाय का पेड़ लगा हुआ है, ये देखिए सारा, इधर तो वही ज़्यादातर खेती होता है। और वही दोस्तों इंतज़ार कर रहे हैं, और सबसे बड़ा कारण है कि हम पैसा भी लेके नहीं आए, और यहाँ पे फ़ोन पे एकदम नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा, तो उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो अब इंतज़ार ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। देखिए बोला तो है कि 2-3 घंटे के आसपास गाड़ी खाली हो जाएगा, तो इंतज़ार करते हैं दोस्तों, आने देते हैं पापा को। बॉर्डर में बैठ के फिर हम इंतज़ार करने लगे पापा का वापस आने का, और साथ में हमारे ये साथ में भैया भी बैठे हुए हैं, इनको भी अंदर जाने नहीं मिला, तो ये भी इंतज़ार कर रहे हैं अपने गाड़ी आने का। दोस्तों अभी शाम के 6 बज रहे हैं और अभी जाके पापा आए, तभी से तो मतलब हम वही इंतजार ही कर रहे थे, तो अभी गाड़ी लेके निकल गए हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तार का। वही अब तार देखते देखते जा रहे हैं, अगर कहीं हल्का सा भी सड़ गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, यही देखना पड़ता है। चले जाइए, यहाँ पे क्या कि तार बहुत नीचे है, ये देखिए, इसलिए भूटान में ये गाड़ी अंदर भी नहीं गया, पार्किंग में खड़ा था, उसके बाद छोटा छोटा गाड़ी में लोड होके चला गया ना। अभी दोस्तों क्या है कि पापा भी थोड़ा गुस्सा में है, क्योंकि पार्किंग चार्ज मतलब जो खाली करवाने का चार्ज वो ज्यादा लग गया, पार्किंग चार्ज भी लग गया, 2 घंटे हम लोग कर रहे थे उसका 200 रुपया लग गया, इसलिए थोड़ा सा है उदास है। खर्चा ज्यादा आ गया, ट्रांसपोर्टर बोल के नहीं भेजा था इतना खर्चा, खाली कराएगा हम लोग 100-200 देते हैं, 1000 ले लिया, 2 घंटा गाड़ी खड़ा किए पार्किंग में 200 रुपया ले लिया, बता 2 घंटा हो या 10 मिनट हो 200 रुपया लगेगा। तो ये मतलब ये सब पैसा आपको आपको देना पड़ेगा। जाइए 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 जाइए। एक तो तार का बहुत प्रॉब्लम होता है ये सब गाड़ी में। आपका लग गया? मेरा ही लगा, अभी ट्रांसपोर्टर से बात कर रही है तो खाली होने के बाद कहाँ देता है कोई, खाली होने से पहले अगर लड़ाई झगड़ा करता है, वहाँ का ऐसा सिस्टम है कि अगर दिन में जाओ और शाम तक वापस नहीं आया तो गाड़ी वहीं, और भूटान से ड्राइवर बाहर, ड्राइवर को भी बाहर निकलना पड़ेगा। अभी तार देखते दोस्तों, तार का ही थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों भूटान से तो खाली करके निकल गए हैं और हम लोग सिलीगुड़ी तरफ जा रहे हैं, तो अभी तो रात में कुछ होगा नहीं, कल ही पता चलेगा लोडिंग वोडिंग का। तो जा रहे थे उसी बीच में होटल मिला, बहुत अच्छा, पार्किंग वर्किंग देख सकते कितना साफ़ सुथरा, लाइट वगैरह, तो यहाँ पर नहाने वहाने का व्यवस्था बहुत अच्छा है, देखे गए थे उधर देखने के लिए, तो सोचे कि चलो रात में ही रुक जाते हैं, अपना सुबह नहाना धोना भी फ्रेश भी होना है, और सुबह क्या है कि पता भी चलेगा ट्रांसपोर्टिंग का, हो सकता है यहाँ से 50 किलोमीटर सिलीगुड़ी है, इधर जाना हुआ तो इधर जाएंगे, तो इधर जाना हुआ इधर होगा, किधर कहीं भी जा सकते हैं जिधर ट्रांसपोर्टर बोल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी चला खाना उन्होंने खाना खा करके आगे सोएंगे यहीं पे, और सुबह अपना देखते हैं लोडिंग है क्या होता है। दोस्तों हम लोग आ गए होटल में खाना खाने के लिए, और हमारा खाना कुछ थोड़ा सा अलग है, ये अंडा तड़का है और साथ में घी मारा हुआ है, घी देख सकते हैं साइड से पूरा घी हुआ, बहुत नामी होटल है ये, पंखा होटल, बहुत पुराना होटल है पंखा होटल, मतलब रोड बनने के कारण हमको पता नहीं चल रहा था, बाद में हमको पता चला तब वो याद आया कि हाँ भाई पंखा होटल था ही यहाँ पर, तो वही मिल गया। अब चले खाने के लिए, टेस्ट वगैरह ना, बहुत ही नामी होटल है इस रोड का, सिलीगुड़ी और आसाम रोड का ये नामी होटल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है,
और अभी तक हमारा गाड़ी का लोडिंग का कोई प्लानिंग नहीं हुआ है। अभी कहाँ से माल होगा, क्या होगा, क्लियर नहीं है, बातचीत चल ही रहा है। और साथ में ऐसा है कल संडे भी पड़ रहा है, तो उसका भी हमको टेंशन हो रहा है कि अगर नहीं आज कहीं बात होगा तो कल संडे होगा, तो कल फिर कुछ बात नहीं हो पाएगा, फिर एक ही बार मंडे से ही स्टार्ट होगा। तो नया जगह जाने में यही दिक्कत होता है। और हमारा जो जाने रहे डाला गाड़ी का था, तो हमको पूरा आइडिया था, इस गाड़ी में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, हमको दूसरे से कंडक्ट करना पड़ रहा है कि भाई कौन सा इसका ट्रांसपोर्ट है, यहाँ क्या है, उस टाइप का निकल रहा है। तो दोस्तों इस एरिया में आए हैं, तो अभी हम देखे यहाँ होटल में कुछ ड्राइवर लोगों में बातचीत चल रहा था, तो हम भी वहाँ पर थे, तो बैठे हुए थे, बगल में चाय पी रहे थे, तो सुने तो हमको भी याद आ गया कि बहुत पहले की बात है, इस रूट पर एक घटना हुआ था कि ड्राइवर लोग कभी, मतलब पहले तो मोबाइल वोबाइल था नहीं, बड़ा मोबाइल वार सब छोटा ही मोबाइल नहीं था उस समय हमको लगता है। तो दोस्तों ऐसा हुआ था घटना कि हम खड़े थे ट्रांसपोर्ट में, तो सुबह उठ के हम देख रहे हैं तो एक गाड़ी के पास में बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। तो हम कहे कि क्या चीज़ भीड़ है भाई, तो देख रहे हैं उसके अंदर में एक ड्राइवर साहब थे, अच्छा तगड़ा थे एकदम शरीर हाथ से, उनके गला में गमछा लपेट के मोड़ा हुआ, मतलब लग रहा है जैसे दो तीन आदमी उसको दबोचा था, तब जा करके उसका मतलब मृत्यु हुआ होगा। इस टाइप का हम देखे हो तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, पुलिस भी आ गया, तो धीरे धीरे हमको पता चला हमने क्या हुआ था। बोलता यार ये ड्राइवर जो है यहाँ पर आज 5-7 दिन से है, और रहने वाला बाहर का है, पंजाब पंजाब साइड कहीं का था, हरियाणा पंजाब कहीं का था, तो उधर का रहने वाला था, ये ट्रांसपोर्ट डेली बैठता था, तो बोलता था कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे को पंजाब जाना है या इधर जाना है, इस टाइप का बोलता था, गाड़ी पार्किंग में लगा दूंगा उधर। तो गाड़ी पार्किंग में लगाया नहीं था, वो बाहर में लगाया था, क्योंकि वो पार्किंग चार्ज लगता है 250-250 रुपया, जैसे हमको हम लगाए थे वहाँ, देखे थे मेरा ट्रांसफर, हम लगाए थे पार्किंग अंदर में 300 रुपये ले रहा 24 घंटा का, तो वो पैसा को बचाने के लिए वो बाहर में ही रखा था कि क्यों पार्किंग देने जाएंगे। तो उसी में अब ट्रांसफर में बैठ के बात करते करते मतलब किसी के कान में चला गया ऐसा कोई बात क्या हुआ, तो रात में देख रहे हैं, सुबह उठ करके आदमी देख रहा है कि उसका डेड बॉडी है, तो पैसा कोई हो सकता है कि वो पैसा विषय बोलता होगा, तो पैसा ही लूटने आया होगा, और पैसा लूटने आया होगा तो पैसा तो गाड़ी में रहता नहीं है, हम लोग तो पैसा तो या तो बैंक में रख दिए या ट्रांसपोर्ट में जमा कर दिए, यही सब करते हैं। अब क्या हुआ, मतलब आदमी को बोलने में मिस्टेक हुआ है तो उसका जान चला गया। तो हम लोग उस समय यही सब बात किए कि कभी भी पैसा कौड़ी का बात, आपस में चलो ड्राइवर खलासी हैं बात कर ले ठीक है, लेकिन जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, होटल हो गया, चाय दुकान हो गया, ये सब जगह नहीं करना चाहिए। पता नहीं कैसा आदमी है, क्या सुन रहा है, क्या दिमाग में ले रहा है, तो इस टाइप का कोई ना कोई हादसा हो जाता है। तो हम भी कहेंगे आजकल के जो नए जो ड्राइवर लोग हैं कि बाबू पैसा के मामले में कभी ऐसा जगह कोई बात मत किया करना कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है तो इतना बच गया तो ये है वो है, क्योंकि कभी भी कोई भी आदमी सुन करके कुछ भी हादसा हो सकता है। यही सब हम ज्ञान देते हैं ड्राइवरों को जो नया नया हमारे साथ, ऐसे तो हमसे बराबरी का ड्राइवर लोग बहुत है, सीनियर ड्राइवर लोग है जो पुराना चले हुए, लेकिन नया लड़का लोग के लिए ये सब कहते हैं, कभी रोड में देखावटी फोकासी नहीं करना है, अपना एरिया में घर में करो, जितना करना है वो चलता है, क्योंकि रात में अपने घर पे जाते हो, अब बाहर में हम लोग बाहर हैं तो कोई दिखावटी नहीं करना है, जितना है सिंपल में रहना है, अपना खाना भी है तो आराम से छिपके खाओ, ये नहीं करना है कि हम ये हैं वो हैं इतना पैसा वो है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम इंतजार करते हैं ट्रांसपोर्ट का, कब फोन आता है क्या होता है, उसके बाद आगे का मेरा कार्यक्रम चालू होगा। दोस्तों अभी तो हम लोग यहीं पर खड़े हैं, कोई माल उल का तो प्रोग्राम हुआ नहीं अभी तक, मेरा सेठ जो फ़ोन लगा ही रहा है, हम भी एक दो ड्राइवर से और भी लोगों से संपर्क कर ही रहे हैं, यही होता थोड़ा सा नया जगह जाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, और माल का पोजीशन थोड़ा सा गड़बड़ चलता है, कहीं तेज़ी रहता है तो कहीं गड़बड़ होता ही है। तो ठीक है दोस्तों अभी तो हम यहीं पर खड़े हैं। दोस्तों आप लोग बहुत कमेंट आ रहा था कि गाड़ी में चिकन मटन कुछ बन नहीं रहा अभी बहुत दिन से, तो दोस्तों पहला कारण था कि रोहित जो है गाड़ी पर है नहीं, उसका जो घर पर गया अपना काम निपटने के लिए, तो उसका कल तेरहवीं ख़त्म हो गया। अब वो हम लोग खाते हैं, हालांकि सब तीनों मिलके साथ में खाते तो अच्छा लगता है, थोड़ा बनाते खाते अच्छा लगता है, और रोहित है नहीं इसीलिए हम लोग नहीं बनाते थे, और दूसरे कारण गर्मी भी था तो उसके लिए नहीं बनाते थे। तो अब तो हमारा जो कल संडे है, तो कल से उम्मीद है कि हमारा अगर जगह पर रहें पॉइंट पर रहें तो हमारा कल से चालू हो जाएगा बनाना। और रोहित का क्या कि घर में जो काम था उसका तेरहवीं वाला वो तो ख़त्म हो गया, तो अब मतलब हम लोग बना सकते हैं खा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी तो मेरा घर ही है और रोहित भी अपना फैमिली जैसा था, तो इसीलिए हम लोग कुछ कर नहीं रहते हैं। तो इसीलिए के दोस्तों थोड़ा अब ख़त्म हो गया सारा, अब देखते हैं कल संडे है तो उम्मीद है कि हमको मिल जाएगा जगह पर, पॉइंट पर रहेंगे तो ज़रूर बनाएंगे हम। तो ठीक है दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।